वो ईश्वर का दूत होता है, उसको कोई कॉल बाका नहीं कर सकता। तो मैं आप सबको ये ताकत, आप सबको ये यकीन, आप सबको ये भरोसा देने आया हूँ कि यकीन तौर पर जीत आपकी होगी, जीत सच की होगी, जीत इंसाफ की होगी, जीत हक की होगी। और झूठे का सिर झुकेगा, झूठे को भागना पड़ेगा, झूठे को भागना पड़ेगा। दिल्ली विधानसभा में झूठे आरोप लगे वो टीवी पे झूठ बोल बोल झूठ बोल के सच बनाने चाहते हैं। वो सोचते हैं कि एक झूठ को 100 बार बोलेंगे तो सच बन जाएगा, लेकिन झूठ चाहे 100 बार बोलो या 1000 बार बोलो, झूठ झूठ रहेगा और सच सच रहेगा। और सच ये है कि अन्ना चाहते हैं 2014 का विधेयक जो था, 2014 का जो बिल था वो पास हो। अन्ना के दिल की आवाज है, हर सच्चे इंसान के दिल की आवाज ये है, हर आईएसी के कार्यकर्ता के दिल की आवाज ये है, दिल्ली की आवाम के हर आदमी के दिल की आवाज ये है कि 2014 में जो सच्चा जो लोकपाल लाने की बात हुई थी उसको लाया जाए और जोकपाल को वापस लिया जाए। तो मैं आपको बधाई देता हूँ, आपको ये जिम्मेदारी मैं सौंपता हूँ कि आप में से एक एक आदमी, औरत, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चा और बड़ा आपकी जगह बिल्कुल मजबूत रहे, मोहब्बत के साथ इंसाफ की आवाज को आगे बढ़ाता रहे। आखिरी बार केवल आपसे ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि सच आपके साथ खड़ा है, क्योंकि आप इंसाफ के रास्ते पर है, इसलिए हमको कानून का भी पालन करना है, संविधान की सुरक्षा का पालन करना है। ये पुलिस के जो लोग हैं वो हमारे सगे दोस्त हैं, जो पुलिस के लोग हैं वो अपने दोस्त हैं, अपने लोग हैं। हमको किसी से, यहाँ तक कि जो हमारे साथ दुर्व्यवहार करने वाला है उसके साथ भी हमको गलत व्यवहार नहीं करना, कभी भी ऊंची आवाज में नहीं बोलना। जो हमारे सिर पर लाठी मारेगा हम अपने सिर झुका देंगे, क्योंकि हम खान अब्दुल गफ्फार खान अब महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। जब सच की ताकत होती है, आपने सुनी होगी वो कहानी मोहम्मद साहब के ऊपर है, वाकया है कि उनके ऊपर कूड़ा फेंका जाता था, तो कूड़ा फेंकने वाली मोहतरमा थी, मोहम्मद साहब के ऊपर कूड़ा फेंकने वाली थी, लेकिन उनके ऊपर कूड़ा नहीं फेंका गया। पैगंबर मोहम्मद साहब उनके घर में पहुंच गए उनकी तबीयत का हाल लेने कि बहन जाओ। तो ऐसे पैगंबर, ऐसा रास्ता दिखाने वाले, नेकी का, खुदाई का रास्ता बताने वाले जो लोग हैं, हम उनको दिल से इज्जत करते हैं। वो हमारे अपने हैं, हमारे रहनुमा हैं, हम ऐसे रास्तों पर चलते हैं। मैं केवल आपको इस बात की कसम बीच में आके देना चाहता हूँ, मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि सच्चाई आपके साथ खड़ी है, इंसाफ आपके साथ खड़ा है। हमको कभी भी बदतमीजी भी नहीं करनी, किसी को ऊंची आवाज में नहीं बोलना, सच ही भी आवाज में भी बोला जाए तब भी सच रहेगा, और झूठ को कितना भी गला फाड़ के बोला जाए, जैसा कि कल गोपाल राय ने विधानसभा के अंदर बोला है, वो झूठ बहुत गला फाड़ के बोला, बहुत हाथ पका फेंक फेंक के उन्होंने झूठ बोला, लेकिन जो गोपाल राय का झूठ है वो झूठ रहेगा, आपका बोला हुआ घी में सा सच वो हमेशा सच रहेगा। अपना यकीन, अपना अकीदा, अपना अहद मजबूत बनाए रखिएगा, अपना हौसला बुलंद रखिएगा। अल्लाह ताला, ईश्वर, गुरु बादशाह आपको बिल्कुल असली सफलता देंगे और असली वकालत तक पहुंचाएंगे। मैं केवल ये बात आपसे कहने आया था, आखिरी बात केवल ये कह देता हूं कि कल इसी विधानसभा में विधायकों ने अपनी तनख्वाह बढ़ाने के विधेयक पर सर्वसम्मति से वोट दिया, 400%, 4 गुना, 2 लाख 1.25 लाख तनख्वाह कर ली, और विधानसभा में विधायकों पर कोड़े लगाने के लिए, कोड़े को इंग्लिश में कहते हैं विप लाया गया। मैं अपनी दिल की बात ना बोलूं, आप जानते हैं मैं खुल के कह चुका हूं कि सैलरी बढ़ाना ना इंसाफी है, बदतमीजी है, बहुत गलत संदेश देना है। जो घर की गृहणियां हैं, जो घर का काम करने वाले, मेहनत करने वाले लोग हैं, जो बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई इस महंगाई में छूट रही है, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उनका आपने फिक्र नहीं किया। आपको अपनी तकलीफ बहुत जल्दी याद आ गई, हमने खुद का इसका विरोध किया था, हम उसका विरोध विधानसभा में ना कर सके इसलिए उन्होंने व्हिप लाया। मैंने मजाक उड़ाई उनकी कि इतने कमजोर हो, इतने डरपोक हो, इस मामले में भी व्हिप लेनी पड़ी, अपने ऊपर भरोसा नहीं है, सरकार कहीं जा रही है क्या, क्यों डर रहा है। लेकिन वो कमजोर लोग, जो डर लोग, जिसके दिल में चोर होता है, वो सच्चाई से भागता है, वो बहस से भागता है, वो किसी के सामने खड़े होकर दो टूक बात नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पर सच्चे लोग बैठे हैं, अन्ना आंदोलन के सिपाही बैठे हैं, आईएसी से जुड़े लोग बैठे हैं, स्वराज के अभियान से जुड़े लोग बैठे हैं,
और आपके सिपाही के तौर पर मैं दिल से ये बात कहना चाहता हूँ कि ये तो नाइंसाफी हुई है। सैलरी बढ़ाने की, चार गुना सैलरी बढ़ाने की, दिल्ली के अंदर ठेके पे शिक्षकों को रखा गया है, 700 रुपए दिहाड़ी पर 17,000 गेस्ट टीचर से काम करवा रहे हैं। इसी विधानसभा के अंदर 7,800 रुपए की तनख्वाह देकर मजदूरी यहाँ पर मल्टीटास्किंग काम करवाया जा रहा है। किसी को अपने लिए नहीं लगा, किसी को उसकी महंगाई में उसका हाथ थामने के लिए तैयार है। अपने लिए चार गुनी तनख्वाह, अपने लिए चार गुनी तनख्वाह, ये नाइंसाफी का जवाब अब हमें दिल्ली की गलियों में, दिल्ली की सड़कों में देना पड़ेगा, एक एक घर में जाना पड़ेगा और दिल्ली की जनता को एक बार उसी तरह खड़ा करना पड़ेगा जिस तरह से हमने रामलीला मैदान पहले भर दिया गया था। इस बार जितने लोग होंगे वो सच्चे लोग होंगे, इस बार जितने लोग होंगे वो 24 कैरेट खड़ा सोना होगा, चारों तरफ आग होगी, लेकिन आग से गुजरकर हम हिंदुस्तान और दिल्ली के अंदर उम्मीदों को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो बीजेपी को वोट देने वाले हैं इस बार रामलीला मैदान में वो नहीं आएंगे, जिनको रामलीला मैदान इसलिए गए थे कि दिल्ली में विधायक बनना था वो नहीं आएंगे, तो दिल्ली की विधानसभा में नौकरी करना चाहते थे, दिल्ली के मंत्रियों के आगे पीछे घूमना चाहते थे, वो इस बार रामलीला मैदान में नहीं आएंगे। जितने आएंगे सच्चे लोग आएंगे, अगर सच्चे लोग 100 होंगे तो जीतेंगे, 1,000 होंगे तो जीतेंगे, 10 होंगे तो जीतेंगे, और सच अकेला बोलेगा तो भी जीता जाएगा। सुकरात की कहानी है, गैलीलियो की कहानी है, एक गैलीलियो था उसने कहा कि धरती गोल है, इस बात पर उसका सर कलम कर दिया गया, उसे जहर दे दिया गया गैलीलियो को, लेकिन आपने जहर दे दिया, पूरी तारीख गवाह है, लोग गैलीलियो को याद रखते हैं, जिन्होंने जहर दिया उनका इतिहास में कहीं कोई नाम नहीं। सुकरात को, सुकरात का क्या खता थी, सुकरात ने कहा कि राजा का हुक्म जो है वो कानून नहीं होता, कानून वो होता है जो इंसाफ की बात करता है। इस बात पर पूरी संसद ने, एथेंस के लोगों ने बैठकर सुकरात को भी जहर दे दिया, लेकिन जिन लोगों ने जहर दिया उनका नाम इतिहास में कहीं नहीं है, सुकरात का नाम आज भी हम लोगों के बीच मौजूद है। अगर वो मुझको भी छोड़ा करना चाहते हैं, मेरे अंदर हमला बोलना चाहते हैं, मुझे धमकी देना चाहते हैं, इस विधानसभा में मुझे दबाना चाहते हैं, तो जो दबाए जाएंगे उनका नाम इतिहास में मिट जाएगा, जो सच की आवाज उठाएगा, सच का सिर ऊंचा होगा, झूठे का सिर नीचा होगा। मैं इसी बात की आपको बधाई देता हूँ, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने इलाके में, अपने अपने वार्ड में, अपने अपने कस्बे में, आप अगर अकेले भी हैं तो भी सच्चाई की ताकत, अल्लाह ताला का हुक्म, ईश्वर की इच्छा आपके साथ है, आपके बेइंतहा यकीनी तौर पर आपकी कामयाबी होगी। हम सच के रास्ते पर पूरी मोहब्बत के साथ आगे बढ़े, पूरी मोहब्बत के साथ आगे बढ़े, जो हम घुमाएगा हम अपने दिल में उसके लिए मोहब्बत रखेंगे। मैं तो आज भी कहता हूँ मुझे सब आपसे से मोहब्बत, आप मुझे यहाँ बोलने नहीं देते, मैं आपके दिल से आपसे मोहब्बत का पैगाम देता हूँ। तो केवल ये बात मैंने आपसे कहने आया था, बहुत दिली मोहब्बत के साथ, बहुत ही क्रांतिकारी सलाम के साथ मैं आपके जज्बे को फिर सलाम करता हूँ। इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है, हम यहाँ पर संसद जलाएंगे, जनता की असेंबली कहाँ लगेगी, आप क्या कहेंगे जनता का लोकपाल कैसा होगा, दिल्ली का लोकपाल कैसा होगा, ये असेंबली में जो हो रहा है उसका खोखलापन आप यहाँ साबित करें, अपनी इरादे से जाहिर करें, अपनी समझदारी की बातों से और अपने जज्बे से साबित करें। जब दिल्ली की संसद ने बात माननी बंद कर दी थी तो हमने रामलीला मैदान में संसद लगाई थी, रामलीला मैदान का संसद जीती, वो संसद हार गई, पलट दिया उसका, इसको भी हमने पलटा था, दिल्ली विधानसभा को भी पलटा था, अब वो पलटने की बात फिर भी आगे होगी, अब भी तो यही कार्य दिखाएगा, उसको सबक सिखाएगा, यही अल्लाह की मर्जी है, यही ईश्वर की मर्जी है। आप उनकी सबसे बात कहने वाले हैं, आपको सलाम है, आपके जज्बे को सलाम है, हम तेज आगे बढ़े, हम केवल ये कहेंगे